अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मौत जो जिंदगी की इब्तिदा ही से इंसानों के लिए एक ऐसी पहेली बनी रही है जिसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बे इंतहा तरक्की के बावजूद ना तो समझ सके हैं और ना ही इस पर काबू पा सके हैं। दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में मौत से जुड़े बहुत ही अजीबो गरीब और दिलचस्प नजरियात पाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान मौत के बाद दूसरा जन्म लेकर दोबारा इस दुनिया में वापस आ जाता है, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इंसान मरने के बाद एक तारा बन जाता है, तो वहीं कुछ लोग मौत के बाद इंसानों के जानवरों या कीड़े मकोड़ों में तब्दील हो जाने की बातें भी करते हैं। हमारा दीनी इस्लाम हमें मौत के बाद एक अबदी जिंदगी का पैगाम देता है, जिसके मुताबिक हमें मरने के बाद दुनिया में किए अपने आमाल के बदले सजा या जजा मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में एक किताब ऐसी भी है जो आज से हजारों साल पहले लिखी गई थी। इस किताब में मौत के बाद पेश आने वाले हालात और उन हालात पर काबू पाने के तरीके और मंत्र दर्ज हैं। इस किताब का नाम है द बुक ऑफ द डेड, जिसे अरबी में किताबुल अमवात कहा जाता है। ये किताब कदीम मिस्र में बे इंतहा मारूफ थी और मिस्र का हर बाशिंदा इसे अपनी जिंदगी में ही खरीद कर अपने पास रखता था, ताकि इसकी मौत के बाद वो इस किताब के साथ दफनाया जा सके। दरअसल कदीम मिस्रियों का ये अकीदा था कि इंसान की मौत के साथ ही इसकी रूह एक तवील और मुश्किलात से भरपूर सफर पर रवाना हो जाती थी, जहां उसे बहुत सी बलाओं का सामना करना पड़ता, तो वहीं देवताओं के सामने अपने किए आमाल का हिसाब भी देना होता था। और इस किताब में दिए गए मंत्रों और जाप की मदद से वो ये सफर बा आसानी तय कर पाती थी। मिस्री तहजीब की इब्तिदा में ये मंत्र बहुत ही ज्यादा खास थे, जो सिर्फ फराइन की तदफीन के मौके पर इनके मकबरों की दीवारों पर तहरीर किए जाते थे। अलग अलग देवताओं को खुश करने के लिए अलग अलग मंत्र मौजूद थे। कदीम मिस्री अकायद के मुताबिक जब कोई फिरौन मर जाता था तो वो इन मंत्रों के जरिए पुराने देवताओं को खुश करके खुद भी एक देवता का दर्जा हासिल कर लेता था। यानी मिस्रियों के मुताबिक फिरौन की हुक्मरानी इसके मरने के बाद भी कायम रहती थी। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई देवता इससे राजी न होता तो इन देवताओं को डराने और धमकाने के मंत्र भी इसके मकबरे पर तहरीर किए जाते थे। कुछ सदियों बाद ये मंत्र आम हो गए और खुशहाल घरानों के लोग इन्हें अपने ताबूतों पर नक्श करवाने लगे। अलबत्ता ये शाही मकबरों पर लिखे गए मंत्रों से कुछ अलग थे, जिनका मकसद मरने वालों को मरने के बाद मुख्तलिफ बलाओं से महफूज रखना, इसके आखिरी सफर में इसकी रहनुमाई करना और देवताओं की तरफ से किए जाने वाले सवालात के जवाबात इन मंत्रों में मौजूद होते थे। सन 2000 कबली मसीह तक ये मंत्र इतने आम हो चुके थे कि इन्हें किताबों की सूरत में तहरीर करके हर फौत होने वाले मिस्री के साथ दफनाया जाता था। वो इस किताब को खरीदने की रकम का बंदोबस्त अपनी जिंदगी में ही कर लेता था, ताकि मौत के बाद इसे कोई मुश्किल पेश न आए। मौजूदा दौर में इस किताब का सबसे कदीम नुस्खा ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लंदन में मौजूद है। तकरीबन 78 फुट लंबी पेपिरस पर लिखी ये किताब 13वीं सदी कबले मसीह में तखलीक की गई थी, जिसे किसी आनी नाम के मिस्री बाशिंदे के मकबरे में दफनाया गया था। इस किताब के मुताबिक जब कोई आदमी मरता तो दिल के सिवा इसके तमाम आजा निकाल कर इसे हनूद कर दिया जाता था। कदीम मिस्रियों का मानना था कि इंसानी दिल वो उजू है जिसमें इंसान की दुनिया में किए गए तमाम आमाल महफूज रहते हैं, इसलिए दिल के पास मुकद्दस कीड़े की शक्ल का एक तावीज रखकर इस शख्स की मम्मी को दफन कर दिया जाता था। अब इस शख्स की रूह मुख्तलिफ पुरखतर रास्तों, तवील गारों, आग के दरियाओं और बलाओं का सामना करते हुए मिस्री देवता ओज़ायरस तक पहुँचती थी। यहाँ उसे 42 मुख्तलिफ मिस्री देवताओं के सवालों के जवाब देने पड़ते, जिसमें ये किताब यानी किताबुल अमवात इसकी भरपूर मदद करती। फिर देवता ओज़ायरस इस शख्स के दिल से इस आदमी के खिलाफ गवाही तलब करता। इस आदमी ने दुनिया में जो भी गुनाह किए होते थे, इसका दिल देवताओं के सामने वो तमाम गुनाह बयान कर देता। अलबत्ता पुरोहितों की जानिब से इसके दिल के पास रखा गया मुकद्दस कीड़े की शक्ल का तावीज इसके दिल को ये गवाही देने से रोक दिया करता। अब ये हिसाब किताब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो जाता था, जहां भेड़िए की शक्ल का एक देवता अनुबिस
एक बड़े से तराजू में मरने वाले शख्स के दिल का वजन किया करता। तराजू के एक पलड़े में मरने वाले इंसान का दिल रखा जाता, जबकि दूसरे पलड़े में अदलो इंसाफ की देवी माआत का एक पर। अगर इस आदमी का दिल माआत देवी के पर से हल्का या वजन में बराबर होता, तब उसे एक जन्नत नुमा जगह पर मुंतकिल कर दिया जाता, जहां ये अपने नेक रिश्तेदारों के हमरा खौफ, परेशानी, दुख और तकालीफ से कोसों दूर एक अबदी जिंदगी गुजारने लगता। लेकिन अगर बदकिस्मती से इस आदमी का दिल देवी के पर से भारी निकलता, तो इसी आमित नामी एक खौफनाक दरिंदे के सामने डाल दिया जाता। इस किताब के मुताबिक ये एक ऐसा दरिंदा था जिसका जिस्म शेर, मुंह मगरमच्छ और जबान सांप जैसी थी। कदीम मिस्रियों के मुताबिक ये तारीख दुनिया की सबसे खतरनाक मखलूक थी, जिसका शिकार बनने के बाद इंसान हतमी मौत मर जाया करता था। दोस्तों, बुक ऑफ डेड कहलाई जाने वाली ये किताब इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि इसमें पहली मर्तबा इंसान के मरने के बाद इसकी हिसाबो किताब और सजाओ जजा के बारे में तफसीलात मिलती हैं। इस किताब में कुल 109 मंत्र दर्ज हैं, जो मुख्तलिफ कदीम मिस्री देवताओं की शान बयान करते हैं, जबकि कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जो आमित नामी दरिंदे समेत तारीख दुनिया में पाई जाने वाली बलाओं को दूर भगाने में काम आते हैं। चूँकि उस दौर में ये किताब काफी महंगी रही होगी, इसलिए मिस्र के बाशिंदे इसे खरीदने के लिए अपनी जवानी से ही रकम जमा करना शुरू कर देते थे, और जो मुफलिसो गरीब आदमी इस किताब के पैसे जमा न कर पाता, उसे सजा का हकदार समझकर ये मुआशरा सिर्फ उसके अंजाम पर अफसोस करके रह जाता। दोस्तों, ये तमाम हकायक बयान करते हैं कि कदीम मिस्री पुरोहितों ने अपनी सादा लो आवाम को किस कदर बेवकूफ बना रखा था। मतलब कोई आदमी अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में डूबकर गुजार दे, तब भी अगर उसके पास ये किताब मौजूद हो तो वो मौत के बाद हिसाबो किताब समेत हर मरहला पार कर जाता था। इसके बरक्स कोई गरीब इंसान जिसने दुनिया में भी अजियतें और मसाइब झेले हों, जिसके पास खाने को रोटी ना थी, वो किताब कैसे खरीदता? तब इसका मुकद्दर सिर्फ तारीकी और खूंखार दरिंदों का शिकार बन जाना ठहरता। तारीख के मौजू पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल, जहां मिलते हैं सच्चे वाकयात मुस्तनद हवालों के साथ, कदीम तहजीबों के अजीबो गरीब हकाइक, अफसानवी दास्तानों के पीछे छुपी हकीकत, जिंदगी बदल देने वाली इस्लामी हिकायत, कदीम और जदीद जंगों के अहवाल, दिलचस्प और पुरिसरार वाकयात, बादशाहों और जर्नैलों की अय्याशी की दास्तानें, मलिकाओं और कनीजों की शर्मनाक कहानियां, ये सब और बहुत कुछ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए उर्दू डायरी को।